बनाने के लिए चाहिए 2 अदद मैंने प्याज काट के रख ली है, 100 ml मैंने ऑयल रखा हुआ है, सॉल्ट रखा हुआ है, 1 छोटा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर है, गरम मसाला है खाने का छोटा चम्मच, 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 2 खाने के चम्मच मिर्चे हैं पिसी हुई, 3 टमाटर मैंने चॉप करे हुए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये थोड़ा सा गरम मसाला है जिसमें मैं फ्राई करके अभी आपको बताऊंगी। ये 500 ग्राम गोश्त लिया है मैंने, ये 400 ग्राम आलू है, और इसमें बाद में जब पक जाएगा तो हरा धनिया भी डालूंगी और मैं इसमें हरी मिर्च भी डालती हूँ ताकि किसी को हल्की मिर्च लगे तो हरी मिर्च कोड़ के खा सके। ऑयल में हम प्याज डालेंगे इस तरीके से, हल्की सी प्याज ब्राउन कर लेंगे थोड़ी सी, ऑयल मैंने पहले से गरम कर लिया था, ये इसमें हमने ये जो थोड़ा सा गरम मसाला लिया था ये डाल दिया है, फिर हम इसमें थोड़ी जरा ये प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए तो मैं इसमें गोश्त टाइट करूँगी, इसलिए कि मैं ये कुकर में बना रही हूँ और जो बगैर कुकर के बनाते हैं तो ज़रा वैसे भी ब्राउन करके प्याज भी डाल सकते हैं, मेरी ये कुकर में गोश्त गल जाएगा, प्याज भी गल जाएगी सारी। जब इसका पानी सुसक हो जाएगा अभी हमारा गोश्त सिंक नहीं रहा है, अब हम इसमें डाल देते हैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको डाल के थोड़ा सा भूनेंगे, इस तरीके से भून लिया है, फिर हमने ये जो 2 खाने के चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया था ये डाल देते हैं इसमें, ये जो हमने ली थी 2 खाने के चम्मच वैसे ली थी ये डाल दिया है, ये गरम मसाला ये डाल दिया है, और ये हमने हल्दी पाउडर नमक अपने हिसाब से रखा है, अब इसके लिए हम ये देखें थोड़ा गलने के लिए इसको ये कर दिया है, फिर हम डाले देते हैं इसमें टमाटर का पेस्ट हमने डाला है, अब ज़रा ये हो जाएगा तो फिर हम इसका कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, और जिसके पास कुकर नहीं है, मुझे आदत कुकर की है बनाने की तो बगैर कुकर में भी बना सकता है, अब मैं इसका ढक्कन बंद करती हूँ, 4-5 सीटी आने का इंतज़ार करते हैं। अब हमारा गोश्त ये गल गया है और थोड़ी तली भी आ गई है इसमें, अब इसके बाद में इसमें ऐड करूँ आलू डालूंगी, इसमें मैं अब आलू डाल रही हूँ, और आलू डालने के बाद थोड़ा सा मैं और भूनूंगी ताकि आलू में भी मसाला चला जाए। हाँ, अभी से खुशबू तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है मुझे तो, अब ये देखो बच्चे मेरे खाएंगे तो पता चलेगा, वैसे तो हाँ खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है मुझे तो, थोड़ा सा भून के फिर मैं जो है इसमें पानी डालती हूँ, पानी जितना शोरबा रखना है अपने हिसाब से, बहुत से गाढ़ा रखते हैं हमारे घर में ज़रा शोरबे वाला पसंद करते हैं, ढक्कन मैंने बंद कर दिया है, अब 2 मिनट के बाद खोलना है। गोश्त आलू तैयार हो गया है मेरा, इसके बाद मैं ये डालती हूँ ऐसे
हरी मिर्च और ये और थोड़ा सा हरा धनिया मैं बाद में रोक के रखती हूँ ताकि डोंगी में जब तैयार करूँ तो ये हो। अभी मैं निकालती हूँ फिर टेस्ट करके बताती हूँ। वैसे तो मैं नमक वगैरह चखती नहीं हूँ और मेरा बिल्कुल परफेक्ट रहता है नमक मिर्चें बिल्कुल सही है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और बस जल्दी से दिल चाह रहा है कि रोटी हो फौरन मैं खा लूं। वाह अभी तो देखना क्या खुशबू, अल्लाह माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें। आप भी इसी रेसिपी से बनाएं माशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। तो जनाब खाना बन चुका है और बहुत ही टेस्टी लजीज खुशबूदार खाना था। आखिर में कुछ फरमाना चाह रही थी आप? मैं यही कह रही थी कि ये मेरी आज आलू गोश्त की रेसिपी आपको पसंद आई हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।